हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका प्राइस की बात करें तो फिलहाल हमें 485 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों जब स्टॉक की प्राइस हमें ओनली 220 रुपये के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहाँ से आप लोग को वीडियो बना के डिस्कस किया था इस स्टॉक में हमें खरीदारी करना चाहिए, फ्यूचर में इसका प्राइस यहाँ से काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका प्राइस हमें 700 रुपए के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिला और वहां से इस स्टॉक में जोरदार तरीके से गिरावट शो किया है, जिसके वजह से फिलहाल इसका प्राइस में 500 के निचले स्तर पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। इसका बिजनेस की बात करें तो बिजनेस काफ़ी ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से अपने शेयर होल्डर को अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया है। और दोस्तों फ्यूचर में भी इसका प्राइस यहां से काफ़ी आगे जाती हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस स्टॉक से हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों से गुजरात गैस लिमिटेड की रिगार्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ। स्टॉक अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें आज की ट्रेडिंग सेशन का तो यहाँ पे देख सकते हो 1% के आसपास का हमें रैली देखने को मिला है, जो कि एवी फिगर अपने आप में काफ़ी अच्छा खासा है। हालांकि हम बात करेंगे पिछले 1 मंथ का इसका प्राइस है ग्राफ का, तो पिछले 1 मंथ में इस स्टॉक में यहाँ पे 3% के अप्रोक्स में हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले 6 मंथ की बात करेंगे तो पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में 14% के आसपास का गिरावट देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों पिछले 1 साल में इस स्टॉक में 28% का यहाँ पे हमें गिरावट का फिगर देखने को मिल रहा है। जो कि हम बात करें पिछले 5 ईयर का इसका प्राइस है ग्राफ का, तो 187% से एबव का मुनाफा दिया है, जो कि बात करें सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पे 300% से एबव का हमें मुनाफा का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों स्टॉक हमें 2015 में लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रहा है और वहाँ से इसका प्राइस का ग्राफ हमें अपर ट्रेंड में ही देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अपने आप में फ्यूचर के लिए हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यहाँ पे हमें 33,000 शेयर से एबव का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। जो कि हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें फिगर देखने को मिल रहा है। जो कि हम बात करेंगे इंडस्ट्री के पीरिशो का दोस्तों, तो यहाँ पे 16 के आप उसका फिगर है, जो कि इंडस्ट्री के पीरिशो से इस स्टॉक का पीरिशो हमें थोड़ा सा यहाँ पे हाई देखने को मिल रहा है। हालांकि हम बात करेंगे इस स्टॉक का फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे रुपीज हमें 2 देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो इस स्टॉक का 52 का हाई है, यहाँ पे 721 रुपए का हाई हमें देखने को मिल रहा है। जो कि हम बात करेंगे इसका 52 लो का, तो स्टॉक ओनली 400 के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था और वहां से फिर से हमें काफी अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है और फ्यूचर में इसका प्राइस फिर से हमें 700 रुपए के क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक का जो रिजर्व सरप्लस का फिगर है काफी जबरदस्त है। अगर बात करें पिछले 3 ईयर्स का, तो एवरी ईयर कंपनी काफी अच्छा खासा इंक्रीमेंट के साथ में फिगर शो किया है और इस साल का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे रिजर्व सरप्लस का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। जो कि बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे डेब्ट का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग का, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे फिक्स एसेट का, तो फिक्स एसेट का फिगर भी यहाँ पे हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फिगर पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल काफ़ी अधिक गिरावट देखने को मिल रहा है। हालांकि ये भी फिगर अपने आप में अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक फ्यूचर के लिए हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जिस तरीके से इसका हमें रेवेन्यू का ग्राफ देखने को मिल रहा है, वाकई में जबरदस्त है। इस साल का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें रेवेन्यू का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग के सामने में यहाँ पे देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से इसका हमें यहाँ पे रेवेन्यू का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि बात करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट के रिगार्डिंग,
तो इस साल का सबसे हाईएस्ट के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट या ग्राफ भी हमें देखने को मिल रहा है जो कि आप लोग के सामने में है। और दोस्तों बात करेंगे सेल्स का फिगर का, तो यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में कंपनी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे सेल्स का फिगर भी शो किया है। हालांकि जून क्वार्टर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे सितंबर क्वार्टर के सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे नेट प्रॉफिट का, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट का फिगर भी अपने आप में यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है, आप लोग एवरी ग्राउंड में इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक में जिस तरीके से हमें प्रमोटर का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, वाकई में जबरदस्त 61% के आसपास का होल्डिंग है जो कि एफआई का होल्डिंग 5% से एबव का है। और दोस्तों यहाँ पे डीआई का होल्डिंग भी 20% से एबव का हमें देखने को मिल रहा है। जो कि रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर पैटर्न भी काफी अच्छा खासा है, आप लोग इसके ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। फ्यूचर में फिर से इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें रैली देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगर इस स्टॉक में यहाँ से थोड़ा बहुत हमें और गिरावट देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 440 के आसपास में आते हुए देखने को मिल सकता है। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 700 के भी क्रॉस करके यानी कि 1000 के आसपास में हमें इसका प्राइस देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए क्योंकि स्टॉक हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से देखने को मिल रहा है। दोस्तों उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।